नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे राष्ट्र समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में और दिल्ली में आज एक हरि कृष्णा ग्रुप के शोरूम का ओपनिंग हुआ है जिनका नाम है कृष्णा ज्वेलरी डायमंड का शोरूम है। उनके MD हमारे साथ है, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस शोरूम में क्या कुछ खास है और दिल्ली में आखिर इनका कितना शोरूम है और आगे इनका विजन क्या है, सारे कुछ जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्र समाचार में। थैंक यू सर। 22वें शोरूम का जो ओपनिंग हुआ है, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कृष्णा का शोरूम हमने जो फ्रेंचाइज शोरूम स्टार्ट किया हुआ वो करीबन 15 महीना हुआ और 22 का शोरूम है। तो कृष्णा में यूनिकनेस है उसकी डिजाइन और उसकी क्वालिटी और प्राइस। तो जो डिजाइन है वो शायद कोई ब्रांड में अवेलेबल होगी और कृष्णा का स्लोगन है हर घर कृष्णा, हर घर पे पहुंचने का है। वो हिसाब से कृष्णा की डिजाइन भी है और प्राइस है। मैं बोलूंगा हम करीबन 5000 में पेंडेंट दे रहे कृष्णा का डायमंड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी का, और 8000 में रिंग दे रहे, कोई ब्रांड में नहीं है। कृष्णा की यूनिकनेस से हरि कृष्णा ग्रुप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करता है और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके लिए सभी ब्रांड से अलग है प्राइस वाइज और डिजाइन वाइज। और कृष्णा की डिजाइन कंज्यूमर को पसंद आ रहे उसके लिए कृष्णा का आज की तारीख में इंडिया में करीबन 1500 शोरूम में कृष्णा अवेलेबल है। सर, आप इतने बड़े ब्रांड के MD हैं, तो आप इंडिया को किस ग्रोथ तक देखना चाहते हैं? नेक्स्ट 10-15 साल जो है ना वो इंडिया का है। जो भी बिजनेस में आप आएंगे, इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है वो वर्ल्ड में किधर भी नहीं है। मैंने करीबन 49 कंट्री में विजिट किया हुआ है, तो सभी लास्ट 10 साल बोल रहे जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में 140 करोड़ जनता किधर है नहीं। तो जो भी बिजनेस में एथिकली ऑनेस्टी के साथ आप बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ने का है। और हमारा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस तो ऐसा है कि बेचो तो भी कमाओ और नहीं बेचो तो भी कमाओ, तो बहुत बढ़िया स्कोप है इंडिया में नेक्स्ट 10-15 साल में। ये सर, आपका क्या थॉट आया उस समय जब आपने शुरुआत किया कृष्णा का, और कृष्णा ही नाम आखिर आपने क्यों दिया, थोड़ा बताएंगे, और क्या विजन था शुरुआत का? हमारा मदर मैन कंपनी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट था, उसके हिसाब से हमने कृष्णा का नाम रखा और हम डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 1992 में स्टार्ट हुआ, तो डायमंड का हमने सोचा क्या बन रहा है, तो कि ज्वेलरी बन रहा है। तो ज्वेलरी बनने के बाद कंज्यूमर को पता नहीं है कि कृष्णा का है कि किसका है, उसके लिए हमने 2005 में कृष्णा ब्रांड किया। और ये धंधा हमको 5-25-50 साल नहीं, जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हम यूरोप की ब्रांड देखते हैं कि 1775, तो क्यों कोई भी इंडिया की ब्रांड नहीं है 100 साल पुरानी। तो हमारा लक्ष्य है कि ये जो 200 साल 300 साल पुरानी कृष्णा ब्रांड बने और लोग बोले कि इंडिया में भी इतनी बड़ी ब्रांड है, वो समझ के हमने ज्वेलरी का बिजनेस किया हुआ है। और ये बिजनेस को हम दिल से चाहते हैं क्योंकि किसी का घर में खुशी बेचने का आपका बिजनेस है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। किसी के घर में शादी होगा, एनिवर्सरी होगा या बर्थडे होगा, तभी वो डायमंड ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे और वो कृष्णा देखेंगे और उसके घर में उसके चेहरे में खुशी देखेंगे, उससे बढ़िया कुछ नहीं। हम तो यही हमारा लक्ष्य, हर लोगों के चेहरे में खुशियां देखना चाहते हैं, उसके लिए हम ज्वेलरी बिजनेस का किया हुआ है कृष्णा ब्रांड का। सर, आज यहाँ ओपनिंग हुआ है, अगर कोई आते हैं गेस्ट आज के दिन, तो क्या कुछ विशेष है उनके लिए? नॉर्मली अभी अक्षय तृतीया का प्रमोशन हमारा चल रहा है, लेकिन ये नया शोरूम के लिए हमने एक्स्ट्रा 5% रखा हुआ है कि जो स्टार्टिंग फर्स्ट कस्टमर जो आएगा उसके लिए एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा हुआ है कि वो नया शोरूम में आ रहे कृष्णा के साथ जुड़ रहे, वो फर्स्ट कंज्यूमर है कृष्णा का, उसके लिए वो बेनिफिट हमने रखा हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मैंने देखा कि कुछ महिलाओं को आप सिलाई मशीन दे रहे थे, तो ये आपका क्या विजन है, क्या उद्देश्य है इसका? हम ये सोचते हैं कि मोदी जी का लक्ष्य आत्मनिर्भर, तो हम ये सोचते हैं हमारे से जो हो सकता है, जो इधर लेडीज लोग आए हुए जो घर पे कोई कमाने वाले नहीं है, वो सभी लेडीज लोग को हर शोरूम का इनोग्रेशन में 25-50 जो भी लेडीज आए उसको सिलाई मशीन दिया हुआ है। हम सोचते हैं कि इंडिया में कोई लोग गरीब नहीं रहे, तो कृष्णा में एक गरीब लोग को खाना देते और एक उसके नाम से पौधे डालते और ये सिलाई मशीन देते, कोशिश ये करते कि इंडिया कैसे आगे बढ़े। और मोदी जी का जो सपना है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनी, तो हम सब कोशिश करेंगे तभी बन पाए, तो हम भी हमारे हिसाब से उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर। ये थे हमारे साथ हरि कृष्णा ग्रुप के MD, जो इनका कहना है 22वें शोरूम था और अपने शोरूम के जरिए जब भी ओपनिंग करते हैं तो गरीब महिलाओं के लिए कुछ नया करते, एक्स्ट्रा करते, सिलाई मशीन देते ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके। तो आप भी अगर दिल्ली के रहने वाले हैं और अगर गोल्ड या डायमंड खरीदना चाहते हैं, तो आप भी देखिए हमारे पीछे कृष्णा डायमंड गोल्ड ज्वेलरी है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। कैमरा पर्सन विकास थापा के साथ मैं ब्रह्मानंद झा, दिल्ली राष्ट्र समाचार।
दिल्ली।